दोस्तों, यदि आपके पास आपके मोबाइल फोन पर किसी ना किसी की इनकमिंग कॉल आती है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकमिंग कॉल की 6 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप भी एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन का यूज करते हैं और आपके पास रोज इनकमिंग कॉल आती है तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। यदि आप इन 6 ट्रिक को ध्यान से देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो आपको इनकमिंग कॉल को उठाने में पहले से ज्यादा मजा भी आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इनकमिंग कॉल की पहले नंबर की खतरनाक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। दोस्तों, आपको अपनी डायल पैड में आना है। डायल पैड में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको दोस्तों ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्लैश फॉर कॉल्स, फ्लैश विल अलर्ट यहाँ पर वैन लोकड। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस फीचर्स की मदद से जब भी आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आएगी तो दोस्तों जो आपकी ये फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक जलने लगेगी और आपका जो मोबाइल फोन है ना वो पहले से ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा और दोस्तों कोई भी आपके मोबाइल फोन को देखेगा वो दोस्तों चौंक जाएगा। ठीक है, तो वो दोस्तों आपको कैसे आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आपको दोस्तों ये आपको पहले नंबर की ट्रिक इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने से दोस्तों क्या होगा, जब भी आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आएगी तो दोस्तों जो आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट है ना ऑटोमेटिक जलेगी और बुझेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी इनकमिंग कॉल की पहले नंबर की खतरनाक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं इनकमिंग कॉल की सेकंड नंबर की खतरनाक ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक का क्या काम है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, और आपका मोबाइल फोन कोई भी बंदा लेता है या दोस्तों आपके पास किसी की कॉल आने लगती है, फिर वो दोस्तों आपको कॉल पर कुछ भी गलत शब्द बोलने लगता है। आप या ये चाहते हैं कि जब भी मेरे पास कोई भी बंदा कॉल करे तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन के अंदर हो जाए, तो जिसकी रिकॉर्डिंग को आप बाद में भी सुन सकें। ठीक है, तो आपको दोस्तों कैसे करना है, आपको सेकेंड नंबर की ट्रिक अप्लाई करनी है। आपको फिर से डायल पैड में आना है, यहीं पर सेटिंग पर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स। ठीक है, इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के पास यदि आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आएगी तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव हो जाएगी, तो आप किसी की भी इनकमिंग कॉल की रिकॉर्डिंग को बाद में भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी इनकमिंग कॉल की सेकेंड नंबर की ट्रिक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनकमिंग कॉल की तीसरे नंबर की खतरनाक ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक का क्या काम है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर YouTube का इस्तेमाल करते हैं, WhatsApp चलाते हैं, Facebook चलाते हैं और उसी टाइम आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आती है ना, वो दोस्तों आपके पूरे मोबाइल फोन पर यहाँ पर इनकमिंग कॉल दिखाई देती है। जब तक आप उसको दोस्तों ओके नहीं करेंगे या काटेंगे नहीं तो वो दोस्तों आपके यहाँ पर इस तरीके से ही आती रहेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों आप अपनी इनकमिंग कॉल की तीसरे नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फिर से सेटिंग में आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉलर आईडी डिस्प्ले, इसी पर क्लिक करना है। अब ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से होगी फुल स्क्रीन पर। अब जैसे आपके पास कोई कॉल करेगा ना वो आपकी फुल स्क्रीन पर रहेगी, आप कुछ भी अपने मोबाइल फोन के अंदर नहीं देख पाओगे। ठीक है, अब यदि आप इसको रखेंगे ना इस तरीके से तो अब दोस्तों क्या होगा, जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल करेगा तो दोस्तों यहाँ पर आधे आपके आधे मोबाइल फोन पर वो कॉल आएगी, जिससे आप यहाँ से उसको काट भी सकते हैं और उसको ओके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप तीसरे नंबर की खतरनाक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इनकमिंग कॉल की चार नंबर की खतरनाक ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक का क्या काम है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आई और आप उससे बात करने लग जाते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फोन पर, या आप कहीं बाइक पर जा रहे हैं तो दोस्तों आप उसकी कॉल को काटना भूल जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप उसके बारे में क्या क्या बात करते हैं वो आपकी सारी बातें सुन सुन लेता है कि आप क्या बोलते हैं उसके बारे में। तो आप अपनी दोस्तों इनकमिंग कॉल में एक सेटिंग करके रख सकते हैं और आपको दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आपको दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवांस सेटिंग्स का, ठीक है, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन है पावर बटन एंड कॉल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे दोस्तों किसी की आपके पास इनकमिंग कॉल आई और आप उसकी कॉल को काटना भूल जाते हैं ना, तो आपको दोस्तों करना क्या है, इस सेटिंग को इनेबल करना है इनकमिंग कॉल की, और जब भी आप किसी की कॉल को काटना चाहेंगे ना तो आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन के दोस्तों पावर बटन को एक बार दबाना है। ठीक है, और आपकी कॉल ऑटोमेटिक कट
कट जाएगी। ठीक है, आपको दोस्तों यहां से कट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको पावर बटन को एक बार दबाना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप ना ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पोल खुदने से बचा सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इनकमिंग कॉल की 5 नंबर की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक का क्या काम है? दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कहीं ऐसी जगह पर चले गए जहां पर बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है और आप किसी के पास कॉल करते हैं, तो उसकी आपकी बैकग्राउंड की जितनी भी आवाज है ना वो उसके मोबाइल फोन पर जाती है, जिससे उसको साफ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो यदि आप 5 नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल करके रखेंगे तो आपकी जितनी भी बैकग्राउंड की नॉइस है ना, आवाज है, वो उसको सुनाई देगी, बिल्कुल आपकी साफ आवाज ही उसके कानों में सुनाई देगी। तो वो दोस्तों कैसे करना है, आपको यहाँ पर फिर से डायल पैड में आना है, आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन है आपको दोस्तों AI नॉइस रिडक्शन। ठीक है, इस सेटिंग को दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने से दोस्तों क्या होगा, जैसे आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आई और आप उससे बात कर रहे हैं ना और आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसको साफ सुनाई नहीं देता है, तो आपकी जो बैकग्राउंड की आवाज़ है वो उसके सुनाई नहीं देगी, जिससे आप आसानी से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इनकमिंग कॉल की लास्ट नंबर की 6 नंबर की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक का क्या काम है। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है। आपको दोस्तों यहां पर आना है फिर से डायल पैड में, फिर से सेटिंग में आना है, एडवांस सेटिंग में आना है। यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन है आंसर कॉल विद गेस्चर, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहां पर आपके सामने 2 सेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन कहीं पर रखा है, आप अपने मोबाइल फोन की कॉल को अपने हाथों से अटेंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं बिल्कुल VIP बंदे बनना चाहते हैं ना, तो आप ये 6 नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। वो दोस्तों कैसे करना है, अब जैसे दोस्तों आपके पास किसी की इनकमिंग कॉल आ रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करके रखना है। ऑन करने से अब दोस्तों क्या होगा ना, आपकी अपनी होम स्क्रीन पर अपनी जो आपकी हाथों की उंगलियां हैं इस तरीके से दिखानी है और जो उसकी कॉल है ना वो ऑटोमेटिक ओके हो जाएगी, और जिससे आपको इस तरीके से टच करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ होम स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, अब दोस्तों आप यदि उसकी कॉल को ओके करना नहीं चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है उसकी, अब आपको अपनी होम स्क्रीन पर इस तरीके से 5 उंगलियां दिखानी है और उसकी कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनकमिंग कॉल की 6 खतरनाक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ हो।